तब दोस्तों देख सकते हैं अभी हम छत पर आ गया है, शाम हो गया है, टाइम हो गया है, देख सकते हैं 6:51 हो गया है, तो पर भी देख सकते हैं साफ है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, सरोज ब्लॉग्स में आप सबको स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? ऐसा करता हूँ कि आप लोग भी ठीक होंगे। दोस्तों थंबनेल टाइटल से आपको पता चल गया होगा, अभी मम्मी आए हैं, शाम हो गया है और पिताजी लेकर आए हैं। पिताजी तो खजुली में रहता है, मम्मी उतरे हैं ट्रेन पर से, वहाँ पर रिसीव किए हैं, तो चलते हैं नीचा में। चलिए, देखने से पहले दोस्तों आप लोग नए हैं मेरा चैनल तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ब्लॉग में कंटिन्यू आप लोग बने रहिएगा। चलते हैं, देख सकते हैं मौसम। चलिए नीचा चलते हैं, पिताजी आ गया है, मम्मी। अगर पिछला वाला ब्लॉग आप लोग देखे होंगे तो पता चल ही गया होगा। चलते हैं, देख सकते हैं दरवाजे पर का सीन दिखा रहे हैं शाम टाइम का। इधर चाचा बैठे हैं, चलते हैं नीचा, चलते हैं मम्मी, मम्मी को दिखाते हैं। तब दोस्तों देख सकते हैं पिताजी और मम्मी आ गए हैं, तब देख सकते हैं घर पर पहुंच गए हैं। चलते हैं दिखाते हैं अंदर जाकर। देखिए वो प्रीति भी आ गया, प्रीति नानी से आशीर्वाद ले, छोटकी नानी से, ठीक है नानी, शाम में लो ना अपना और इंतजार करो बाबा नानी। देखिए छे प्रीति भी रहे छल, हम सब खेले छली की प्रीति जी ने घर खाली खाली रहे छल, मम्मी भी आए बोले। देखिए छे प्रीति भी आल मिले के लेल, नहर मम्मी रोटी बना लेला बस आहा के सब्जी रह गेल की क्यों प्रीति बाबू अब है देखत पिताजी खिसिया लग तो वीडियो बनेबे त रोटी बन गया है, अब रह गया सब्जी बनाएगा मम्मी या भुजिया बनाएगा, भुजिया बने भी और टाइम हो गया है मम्मी, देखते देख सकते हैं धर पर है। बस थोड़ा देर में निकलेगा मम्मी, ड्यूटी भी है आज मम्मी का, तब तो नहीं है हॉस्पिटल रही है, तो परेशान भैया गेलो। इधर दिखाते हैं पिताजी, इधर आयरन कर रहे हैं, देख सकते हैं पिताजी इधर आयरन कर रहे हैं, देख सकते हैं चटपट यानी कि मम्मी बना रहे हैं चटनी। आप लोग चटनी यानी कि धरफर में टाइम नहीं है, मम्मी का टाइम हो गया है, प्याज को काट कर मिर्ची तिर्ची को जैसे अचार उचार डाल कर जो चटनी बोलते हैं हम लोग अपना मिठला में, चलिए बन रहा है तो दिखाएंगे, अभी बना रहे हैं, रोटी तो बन ही गया है। इधर पिताजी आयरन कर रहे हैं, मम्मी आए हैं, चला जाएगा बस, कल जाएगा फिर कल आएगा, टाइम हो गया है 7:13 हो गया, करी बोले मैं मुझे बड करू बहुत करू। देख सकते हैं दोस्तों मिर्ची बहुत तीखा है, हम 2 दिन बनाए थे पहले, हाथ लहर रहा था। पिताजी आयरन कर लिया है, पिताजी को पता चलेगा वीडियो बना रहे तो गुस्सा आ जाएगा, इसलिए पिताजी के सामने वीडियो नहीं बनाते रहते। इधर देख सकते हैं पसीना पसीना आ गया है, बहुत गर्म लग रहा है। इधर मम्मी खाना भी बना रहे हैं, यानी कि प्याज का मिक्स की यानी कि चटनी बोलिए और कल से बोले मैं आगे चटनी और कचरा प्याज का। चलिए मिठला के आप लोग होंगे तो पता चल ही गया, अपना मिठला के छे तो पता चल गया अहाँ सबके मम्मी की बना रहा है, यानी कि जल्दी टाइम टाइम नहीं है, टाइम देख रहा भ गए अहाँ के 7:15 8 बजे में कहने से ड्यूटी मम्मी के रही है खजुली हॉस्पिटल, मम्मी जाते हैं थोड़ा देर के बाद, मम्मी आयल अहाँ के जाए फिर हॉस्पिटल, और कल कल आएगा अहाँ के, कल आयत अहाँ के 2 बजे, कल छुट्टी हाथ ते लगे मम्मी के कहने से नहीं है यार, लेकिन मम्मी आ गए हैं ते लगे कोई आयल अहाँ के घरेलू काम करे लगल, टाइम नहीं मिले मम्मी के साथ बातचीत कर। देखियो केना बनि रहल छै चटपटा,
यानी कि चटनी। इधर आम आम है साइड में देख रहे छे, आम रोटी चलत इधर। हम लोग मिथिला में जैसे कि टाइम नहीं रहता है तो कोई प्याज काट कर मिर्ची उर्ची अचार उचार डालकर यानी कि मिक्स करके खाया जाता है। और उसमें जैसे आम है तो आम दूध रहता है, दूध दूध के साथ है, मस्त लगता है खाने में। देख सकते हैं बन गया है। तब दोस्तों देख सकते हैं मम्मी खाना वाना निकाल रही है, समोसा वोसा लेकर आए हैं, प्रीति को दे रहे हैं, नतनी को, भगिनी है। इधर देख सकते हैं मम्मी खा रहे हैं। देख सकते हैं समोसा है, रोटी है, प्लेट में खिलाने वाले लगे लियो प्लेट। मम्मी का टाइम नहीं इसीलिए प्लेट भी नहीं ले पाता है। नहीं नहीं हम लोग क्यों भाई डाले ना सब। इधर देखिए दोस्तों यानी कि सब्जी है, इधर वही चटनी है जो बोले थे मिक्स वाला, इधर समोसा वोसा है। खा ले तू, खा ले हम करेंगे खा ले, तू खा ले, तू जो खेबा से खा ले बुलाही, हम कमो रहते ना हम खा लेने से भरपूर ने प्रीति, हम पहले ही खा ले ली। यानी दोस्तों यानी कि मम्मी लेकर आया था वो सब्जी रोटी, तो हम वही खा लिया है, इसीलिए मम्मी को बोला है खा ले, हम खा लिए हैं। प्रीति देखिए प्रीति एकदम से समोसा खा रहा है ना, समोसा निखाओ। चलो मम्मी यहाँ थोड़ा देर में निकले हैं खाना वाना खा के। दोस्तों देख सकते हैं मम्मी तैयारी हो रहे हैं, इधर पिताजी इंतजार कर रहे हैं मम्मी को। तो बना दीजिए तैयारी हो गया, मम्मी जा रहे हैं। हाँ अच्छा ठीक है जो, तब देख सकते हैं मम्मी जा रहे हैं। कल लगा हुआ पंखा पंखा कौन काट के लेते हैं हाँ? चलते दिखाते हैं दरवाजा में। तब दोस्तों देख सकते हैं पिताजी चले गए मम्मी।